नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ राजन कुमार। आप बने हुए न्यूज पीआर के साथ। देखिए, लगातार खबरें तो चल ही रही है कि अशोक महतो को लालू ने टिकट दिया, लेकिन अशोक महतो की जल्दीबाजी में शादी और मुंगेर से लड़ना, ये आपने नहीं सुना होगा कि आखिर मुंगेर से ही क्यों लड़ना चाहते हैं अशोक महतो। बाहुबली हैं, जेल में सजा काट चुके हैं, जेल से बाहर है, 56 की उम्र में शादी रचाते हैं और राजनीति में कदम रखना चाहते हैं। यहाँ तक तो बातें सही हैं, लेकिन मुंगेर लोकसभा सीट पर क्यों लड़ना चाहते हैं और नीतीश के सबसे चहेते ललन सिंह को क्यों टक्कर देना चाहते हैं, ये न्यूज़ पीआर की खबरों में जानिए। अंदर की बातें लगातार राजन के साथ आप जानते हैं कि अंदर की बातें में क्या कुछ निकल कर सामने आती है। बात किया जाए अगर अशोक महतो को जेल से निकलने के बाद आनन फानन में शादी और नई नवेलन दुल्हन को लेकर पहुंच जाते हैं लालू के आवास। लालू यादव हरी झंडी दिखाते हैं और उनकी पत्नी को टिकट मिल जाता है। तैयारी में अशोक महतो जुट चुके हैं, लेकिन ललन सिंह को टक्कर क्यों देना चाहते हैं, चलिए बताते हैं। देखिए, महागठबंधन की सरकार थी, लगातार लालू और नीतीश एक साथ थे, तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, बातें बिगड़ी उलझी, नीतीश ने एक बार फिर से साथ छोड़ दिया और एनडीए के साथ चले गए। लेकिन उस बीच एक खबर चल रही थी, जब महागठबंधन की सरकार थी, लालू की नज़दीक या ललन सिंह से बढ़ती जा रही है, जो नीतीश कुमार को नागवारा गुजर रहा था। उस दौर में खबरें चल रही थी कि ललन सिंह लालू के काफ़ी करीब होते जा रहे हैं, जदयू को तोड़ा जा रहा है, ललन सिंह बगावत कर सकते हैं, लालू से नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है, तमाम तरह की खबरें चल रही थी उस बीच और अब के बीच। ललन सिंह को टक्कर देने के लिए अशोक महतो मुंगेर विधानसभा क्यों चुने, तो देखिए, लालू प्रसाद यादव अब नीतीश के कुनवे पर नज़र टिका चुके हैं। बार बार नीतीश कुमार के पलटी मारने पर लालू भी परेशान हो गए। लालू बिहार की राजनीति में सबसे बड़े दिग्गज और चाणक्य कहे जाते हैं। बिहार के राजनीति में वायम समीकरण इनका हमेशा से ही रहा, ज़्यादा मुस्लिम का वोट लालू प्रसाद यादव का कहीं नहीं जा सकता। सोशल मीडिया की बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव और बेटे तेजस्वी यादव के फैंस फॉलोइंग साफ तौर से देखा जा सकता है। अब लालू प्रसाद यादव ने वो टेक्निक निकाला है कि अगर प्रेशर पॉलिटिक्स अगर की जाए तो एक दबंग के पास एक दबंग को ही खड़ा किया जा सकता है टक्कर देने के लिए, और वही है कि अशोक महतो को बोला गया लालू के तरफ से कि आप सीधा तौर से नीतीश के चहेते नेता यानी नीतीश के करीबी ललन सिंह को टक्कर दीजिए, ललन सिंह हारते हैं तो नीतीश प्रेशर पॉलिटिक्स के शिकार हो जाएंगे और इस प्रेशर पॉलिटिक्स को अगर शिकार होते हैं तो जदयू बिखर भी सकती है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दिया था, अभी नीतीश कुमार है और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि नीतीश और ललन सिंह में नहीं बन रही है, उसका सबसे बड़ा कारण था ललन सिंह और लालू की नज़दीकियां, जो खबरें चल रही थी। अब ललन सिंह को पुष्ट दवा देने के लिए लालू प्रसाद यादव ने अशोक महतो को खड़ा किया। नवादा से भी हो सकते थे, कहीं से भी हो सकते थे, लेकिन उनकी पत्नी को मुंगेर में ही ललन सिंह को टक्कर देने के लिए अशोक महतो को खड़ा कर दिया। देखिए, शतरंज की चाल में जिस तरीके से खेल जो शुरू हुई है, इस शतरंज के चाल में लगातार लालू प्रसाद यादव फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और एक सबसे बड़े बाहुबली को टिकट दिया गया है और 55 की उम्र में आनन फानन में रातों रात अशोक महतो शादी करते हैं और शादी करने के बाद पत्नी को लेकर पहुँचते हैं और लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद मिल जाता है और मुंगेर से ललन सिंह को टक्कर देने की शुरुआत शुरू हो जाती है। अब इन तमाम खबरों के बीच ललन सिंह को किस तरीके से टक्कर देंगे, लगातार गुरु मंत्र मिलता जा रहा है लालू के तरफ से अशोक महतो की। उनकी पत्नी भी बड़ी तैयारी कर रही है, पत्नी भी बयानबाजी दे रही है कि किस तरीके से ललन सिंह का किला मुंगेर में उखाड़ फेंकना है। तो देखिए, साफ तौर से लालू का हीटिंग है और प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश पर शुरू हो चुकी है।